नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करते हैं कि रसिया का रूस का इतना बड़ा हार जो है यूक्रेन पे कैसे हो गया, जो कि आज तक सुपर पावर समझा जाता था और दूसरे देश उससे थर्राते थे। दोस्तों, पुतिन ने जब लड़ाई स्टार्ट किया तो उनको लगा क्या कि अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान ने अटैक किया तो अशरफ गनी वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो छोड़ के भाग गए और बिना किसी खूनी संघर्ष के तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। सेम उसी वही वाक्या दोहराया जाएगा और वो यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन हुआ दोस्तों पूरी तरह उल्टा, पासा जो दोस्तों पलट गया। और दोस्तों, रशियन आर्मी को हेवी कैजुअल्टी हुई। उसके दो से तीन महीने के युद्ध में कम से कम 15,000 उनके जो सोल्जर हैं मारे गए और उसमें से 10 जो जनरल मारे गए हाई लेवल के। मोर देन 2,000 टैंक हेवी आर्टिलरी उनका दोस्तों बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि रसिया की किरकिरी हुई, बेइज्जती हुई इस हार से और उनका इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर गया। तो दोस्तों, समझते हैं कि रसिया का ने क्या क्या गलती किया इस वॉर में, इस युद्ध में। दोस्तों, सबसे पहला जो था उनका जो युद्ध था वो प्लान नहीं था। पुतिन ने को इंस्ट्रक्शन था कि बस 2 से 4 दिन में युद्ध खत्म करना है और वापस लौट जाना है। और दोस्तों, उनको लगा कि जैसे ही वहां जाएंगे सब सारे जेलेंस्की भाग जाएंगे, उसके बाद वहां उनका कब्जा हो जाएगा, उनका वहां पे वो पपेट सरकार बैठा लेंगे और वहां से वो निकल जाएंगे। यही उनका इंस्ट्रक्शन था। उन्हें सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा, मतलब कि नाखों चने चबा देंगे जेलेंस्की। और सारे टीविया मीडिया वाले सारे बोल, जिस समय युद्ध स्टार्ट हुआ, जिस समय रसिया ने अटैक किया, तो सारे बीबीसी CNN इवन कि इंडियन मीडिया बोल रही थी कि अब तो एक दिन में ही वार खत्म हो जाएगा, अब बस 2 दिन की बात है, अब रसिया कब्जा कर लिया, वार खत्म हो जाएगा। लेकिन जेलेंस्की डटे रहे और सारे वहाँ के जो नागरिक हैं उनका मोराल बूस्ट हुआ, उनके आर्मी का मोराल बूस्ट हुआ और वो लड़ाई में बने रहे। और उनको स्टार्टिंग में तो सपोर्ट नहीं था उनके पास में, आर्म्स नहीं था उनके पास में, हथियार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हथियार जो है अमेरिका से आते गया, नेटो कंट्री से आते गया और वो लड़ाई में बने रहे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है मोराल। जैसे कि अगर आज के दिन में अगर मोदी जी अगर या कोई तानाशाह आदेश देता है कि तुम नेपाल पे अटैक कर दो, तो हम उतना उत्साह होकर के हम लड़ाई में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वार थोपा गया है। हम दोनों देश सेम ही कल्चर है, सेम ही कास्ट है, सब कुछ सेम ही। हम तो नेपाल पे भी इमेजिन नहीं कर सकते हम उनका कत्लेआम करें, लड़ाई करें। उसी तरह रसिया और यूक्रेन जो था दोनों सेम ही कंट्री था, USSR का पार्ट था, दोनों का कास्ट सेम है, कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है। और उनको आदेश आ गया पुतिन से कि आप उनका कत्लेआम करें, मारे और कब्जा करें, तो उतना मोराल हाई करके वहां के सैनिकों ने लड़ा नहीं, जिसके कारण भी वो क्षति हुई वहां। और दोस्तों, अनप्लान्ड क्या था कि आज के दिन में दोस्तों वारफेयर में आर्म फोर्सेस, एयर फोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होता है, साइबर वारफेयर होता है, सारा दोस्तों प्लान्ड वे में होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है और एक साथ होता है, जो कि हुआ नहीं। रशियन टैंक तो इंटर कर गई लेकिन एयरफोर्स का वहां सपोर्ट नहीं था उनका, तो उसमें वो दोस्तों पूछे रह गए। टर्की से बहुत बड़ा नया तरीका का ड्रोन मिला, जो कि
सारे उनके आर्म फोर्सेस को, सारे उनके तोप दे उसको बर्बाद करते गए। ये हुआ दोस्तों, उनका जो गाड़ी जो था आगे बढ़ रहा था, सारा टायर लॉजिस्टिक जो 70 किलोमीटर तक दिखा रहे थे न्यूज में कि 70 किलोमीटर तक व्हीकल से रसिया आ रहे हैं कीप पे कंट्रोल करने, बीच में सारे वो फंस गए सारे व्हीकल, टायर खराब था उनका, गाड़ी खराब हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। तो ये दोस्तों लॉजिस्टिकल फेल्योर है, टैक्टिकल फेल्योर है, प्लानिंग फेल्योर है और पूरी तरह फेल्योर है। और ये दोस्तों फेल्योर जो है रसिया के लिए एक दो दिन का नहीं है, ये सालों का है, क्योंकि इंडिया जो है बड़े हेवी अमाउंट में वहाँ से आर्म परचेज करती है। और दोस्तों इंडिया को भी अब लग गया कि वहाँ रसिया के आर्म से जब खुद वो अपना युद्ध नहीं जीत सकते हैं तो ये हमें क्या मदद करेंगे चीन से और पाकिस्तान से युद्ध जीतने में, इनका तोप और सुखोई मिग एयरक्राफ्ट क्या हमारी मदद करेगा। तो अब इंडियंस को और दूसरे देशों को भी लग गया कि अब वहां से जो हथियार खरीदना फायदेमंद नहीं है क्योंकि ये काम करेगा नहीं और हम हार जाएंगे, तो इससे अच्छा कि हम जर्मनी से परचेज करें और दूसरे देशों से, फ्रांस से परचेज करें और दूसरे अमेरिका से परचेज करें जो कि टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस है और उससे हम युद्ध अच्छी तरीके से जीत सकते हैं। तो दोस्तों बुरी तरह से दोस्तों इसमें रशिया की हार हुई है। और सुना तो ये भी जा रहा है कि पुतिन जो है उनको ये बीमारी है वो बीमारी है, और दोस्तों एक ये भी समझ में आ रहा है कि कोई छोड़े, इतने सारी मौत हुई है तो कोई छोड़ेगा नहीं पुतिन को, कोई भी एक बंदा जो है उनके फैमिली पे अटैक कर सकता है, तो मैंने पूरी ज़िंदगी वो भय के कंडीशन में वो जिएंगे कि उनका भी कभी एसेसिनेशन हो सकता है, कत्लेआम हो सकता है, उनकी फैमिली का कत्लेआम हो सकता है। और दोस्तों घबराए हुए रहेंगे, चैन के जीवन जो है पुतिन पूरी जीवन नहीं जिएंगे जैसे उन्होंने दूसरे लोगों को जीने नहीं दिया है, ख़त्म कर दिया है यूक्रेन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आराम से मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में नए यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।